इस खुले आकाश में देखती रश्मि रथी और इसी पावन धरा पर झूमती है उर्वशी। है यही माटी गढ़े है जिसने इतने वीर रस, गूंजती है इस फजा में इसलिए कविता सरस। मानस पटल पर है उकेरा जिन्होंने कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा को जिसने यहाँ संबल दिया, हुंकार भर कर कलम में साहित्य को नया बल दिया। सत सत नमन करती हूँ तुझे, तेरी धरा पर हूँ मैं, सौभाग्य मेरा है बहुत करती तुम्हें फिर से। नमस्कार, स्टॉप टीवी स्टूडियो की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। स्टॉप टीवी पर आजकल देश के ऐसे चर्चित साहित्यकार और कलाकारों का संपूर्ण जीवन यात्रा का वृतांत हम लोग उनके मुखारविंद से ही सुनाते हैं। तो ऐसे में आज हमारे बीच उपस्थित हैं एक देश के जाने माने कवयित्री श्रीमती विनीता साहा। विनीता साहा पेशे से अध्यापिका हैं और इनकी कविताएं देश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित हो रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विनीता जी स्टॉप टीवी स्टूडियो पर। और आप खास करके मैं आपसे जानना चाहता हूँ या हमारे स्टॉप टीवी के जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि आपने अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की, कैसे शुरू की, किन किन लोगों ने से प्रेरणा आपको मिली, इसको सुनाए। स्टॉप टीवी स्टूडियो को मेरा हार्दिक आभार जिन्होंने मुझे इतना बेहतरीन मौका दिया बोलने का। जिस समय मैं स्कूल में थी, मैं जिस समय स्कूल शिक्षा चल रही थी, तो उस समय जब मैं महादेवी को पढ़ती थी, दिनकर को पढ़ती थी, तो मुझे कविताएँ बहुत आकर्षित करती थी और लगता था कि मैं भी मतलब कुछ कविताएँ लिख सकती हूँ। तो मैंने उसी समय क्लास 9th से लिखना शुरू किया, लेकिन मैं लिखती गई और मेरी डायरियां भरती गई। बस उसके बाद भी मेरा ये प्रयास निरंतर चलता रहा। मैंने शिक्षा के साथ कविता साहित्य में साहित्य के शौक को जगा के रखा और लिखते लिखते ये सिलसिला वहीं चलता ही रहा। उसके बाद आपको प्रेरणा कैसे मिली, सिर्फ वो दिनकर की कविताओं और महादेवी की कविताओं को पढ़ के कि और कोई प्रेरक व्यक्ति भी थे? नहीं, ऐसी कोई प्रेरणा नहीं थी, बस मुझे कविताएं अच्छी लगती थी पढ़ने में और मुझे लगता था कि मैं लिख सकती हूँ। तो बचपन से ही मैंने लिखना शुरू किया और लिखते लिखते मैं बस लिखने लगी। पहले मैं स्वंता सुखाय के लिए लिखती थी, बाद में कुछ जिंदगी में कुछ आगे कुछ मुकाम पे ऐसे साहित्य से जुड़े हुए लोग मिले, जैसे बस मेरे गुरु और मैं उनको अपने गार्जियन की तरह मानती हूँ, रणी पतंग जी को, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया और मैं आगे लिखती गई और मेरी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। ये कब की बात है, कितने कोई ईस्वी बताएंगे कितने दिन पहले से आपने इसे अपना संबंध जोड़ा? जी, मैंने 2017 से इसमें जुड़ी। अच्छा, 2017 से जुड़ी है, चलिए अच्छी बात है। तो आपने अभी तक जो जिन कविताओं को लिखी, चर्चा तो बहुत है, आप जहाँ भी जाती हैं वहाँ चर्चा बहुत होती है आपकी कविताओं की, तो आपने अभी तक कहाँ कहाँ ये कविताओं को लेके अपनी यात्रा की है? जी, मैं ज़्यादा जगह नहीं गई हूँ। मैंने खगड़िया में कुछ जब श्री कैलाश बाबू थे, कैलाश जाकिंकर, तो उनके प्रोग्राम में मैंने एक कवि सम्मेलन में भाग लिया था जहाँ मैंने अपनी कविताओं को पढ़ा और उसके बाद इन श्री अनिल पतंग जी के आवास पे ही मैं आई और वहीं पढ़ी। तो आप कविताओं में खास करके छंद, छंद युक्त, छंद मुक्त या कविताओं का में जो प्रकार विभिन्न होते हैं उसमें किन किन विधाओं में आप लिखते हैं? जी, मैं विशेषतर छंद मुक्त कविताएं लिखती हूँ,
मुझे छंदमुक्त कविताएं लिखना पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि बांधने से कविताओं को, कविताओं की जो मूल प्रकृति होती है या जो हम जिस बात को हम कहना चाहते हैं उसको उस तरह से नहीं रख पाते हैं, इसलिए मैं छंदमुक्त कविताएं लिखने में विश्वास रखती हूँ। छंदमुक्त भी लयात्मक होता है, उसमें भी लय तो होता ही है। अच्छी है बात। सुमित्रा नंदन पंत शुरू किए थे, उसमें बड़ी झमेला खड़ा हुआ था, छंदमुक्त छंदयुक्त कविताओं का बड़ा विवाद खड़ा हुआ था, लेकिन अब तो काफी लोग लिख रहे हैं। चलिए आपको बहुत बहुत बधाई। अब मतलब आप अपनी यात्रा के क्रम में उत्कृष्ट जिन कविताओं का पाठ किया या किसी अभी तक छपी है कहाँ कहाँ, ये भी आप हमको बताइए। जी, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपी है, कौशिकी में छपी है, इधर हाल फिलहाल कविता कानन में प्रकाशित हुई। और तो अब उसमें से कुछ उत्कृष्ट कविताओं को आप हमें, हमारे दर्शकों के लिए अगर प्रस्तुत कर सकें तो बड़ा अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी क्योंकि दिनकर जी मेरे प्रेरणा रहे हैं, तो उनके लिए दो लाइन और उनके बाद फिर मैं अपनी कविताएं शुरू करती हूँ। इस खुले आकाश में हूँ देखती रश्मि रथी, और इसी पावन धरा पर झूमती है उर्वशी। है यही माटी गढ़े है जिसने इतने वीर रस, गूंजती है इस फजा में इसलिए कविता सरस। मानस पटल पर है उकेरा जिन्होंने कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा को जिसने यहाँ संबल दिया। हुंकार भर कर कलम में साहित्य को नया बल दिया। सत सत नमन करती हूँ तुझे, तेरी धरा पर हूँ मैं, सौभाग्य मेरा है बहुत करती तुम्हें फिर से नमन। धन्यवाद। इसके बाद में अपनी कविताएं। कभी कभी मेरा कामकाजी होना मुझे बहुत सालता है, मेरी ममता मेरे मन के किसी कोने में दमित होती है, और कभी कभी अकुलाहट इतनी बढ़ जाती है कि आंखें नम हो जाती हैं। मुझे बहुत कचोटता है जब सुबह सुबह मैं जगाती हूँ अपने तनय को कि देख लूँ उसका चेहरा और वो मुझे देख ले, कुछ मैं कह सकूँ कुछ वो कह ले। थोड़ा इतराना थोड़ा इठलाना, मेरे गले से लिपटना, मेरे गोद में सर रख दुलारने की चाहत लेकर, परंतु मेरा उसको याद दिलाना कि समय हो गया है अब मुझे जाना होगा। उसकी आंखों से सुनहरे मोती ढलक पड़ते हैं और मेरा सीना छलनी कर जाते हैं, पाँव में अदृश्य बेड़ियाँ पड़ जाती हैं। बोझिल मन से अपनी ममता को वहीं कहीं तहखाने में छोड़ आती हूँ, और फिर दोपहर लंच में जब बैठती हूँ तो फिर से मन उबलाता है, उसने अपना लंच खाया या नहीं, क्या वो भूखा ही होगा, मैं कैसे खा लूँ। कल मैंने जब उसे उसके स्कूल बैग को टटोला तो वो लंच बॉक्स पूरा भरा हुआ ही था। फिर शाम जब मैं लौटती हूँ घर के दरवाजे पे तो वो मेरे पैर की रुनझुन पहचान लेता है और सीढ़ियों से दौड़ा आता है, और उसकी जैसे उसकी सांसें मुझ में अटकी हो, माँ कहकर ऐसे लिपटता है जैसे बरसों बाद मिला हूँ मुझसे, और मुझे भी मिल जाती है एक मुकम्मल दुनिया, मेरी दुनिया। मेरी दूसरी कविता है अदृश्य जाल। अदृश्य सा एक जाल है जिसमें बंधा है आदमी, बेशक लगाता जोर है कस मसाता आदमी। जिस ताप में वह जल रहा दिखती कहाँ वो आग है, जिस ताप में वह जल रहा दिखती कहाँ वो आग है। उठती नहीं फोले मगर हर पल जलन में आदमी, हर पल जलन में आदमी। अंदर है कुछ बाहर है कुछ कैसे दिखेगा ये भला, हर पल मुखौटे है लगाता आदमी। मिलती नहीं है गम जिसे उसे कीमत खुशी की क्या पता, फिर खुशी को ही गम समझता आदमी। शौक जीने का है सबको ही मगर हर पल बदलता जिंदगी के मायने, है दिन बिताता या है जीता आदमी। उलझने साहा बहुत हैं देखिए, छोरिए बावते बहुत हैं सोचिए, मुस्कुराता है मगर हर दर्द में है आदमी, मुस्कुराता है मगर हर दर्द में है आदमी। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरी एक और कविताएं हैं, पंक्तियां समर्पित करती हूँ। आंखों में ठहरा दर्द भी कुछ कहता है, आंखों में ठहरा दर्द भी कुछ कहता है, और उलझन न बढ़े इसलिए चुप रहता है, और उलझन न बढ़े इसलिए चुप रहता है। जिंदगी सिमट रही है अब बहाने में, सफर भी लगता है जैसे हो कैद खाने में।
पास रहकर खुदी के भी ना हम समझ पाए, खामोश रातों की स्याही क्यों ना लिख पाए। गिनतियां होती रही मेरी तो बेगानों में, सफर भी लगता है जैसे हो कैद खानों में। हर सांस पर एहसास है घुटता मेरा दम, किस किस के ना जाने सहे हैं हमने सितम। रखी है मौत की गठरी मेरे सिरहाने में, सफर भी लगता है जैसे हो कैद खाने में। नहीं ये शौक की झीलों पे सिकारा मेरा, नहीं चांद से भी रोशन हो बसेरा मेरा। दिए की रोशनी भी लग गए बुझाने में, सफर भी लगता है जैसे हो कैद खाने में। बोझ जिम्मेदारियों का कहां मुश्किल है, पेट पलता है वहां भी जहां पे मुफलिस है। मिटेगी मुफलिसी मेहनत को आजमाने से, सफर भी लगता है जैसे हो कैद खाने। जजीरे बेनिसा पर याद कहाँ मिटती है, चोट कोई भी दिल में घाव कहाँ दिखती है। बाकी रहती है कशिश साह इसी जमाने में, सफर भी लगता है जैसे हो कैद खाने में। मेरी एक और रचना प्रस्तुत है। अब बीते सावन के मौसम और पतझर भी बीत गए, फिर आया बसंत का मौसम और बहारें बीत गई। रैन से शक्ति बीत रही पर चांद कहाँ सोता है, रोता है दिन रात मगर अब दर्द कहाँ होता है। रोता है दिन रात मगर अब दर्द कहाँ होता है। जो गुजर गया उसे क्या पता, है दर्द की क्या इंतहा। है सफर मेरा मुश्किल बहुत, कोशिश मगर है बारहा। पर्वत अकेला सूर्य अकेला मिसाल बन जीता है, रोता है दिन रात मगर अब दर्द कहाँ होता है। मन की देहरी पर लालिमा भूर सी खिलती रही, हृदय जब पाषाण बना तो धुंध सब छटती रही। राह में मंजर कोई देखूं अब मर्म कहाँ होता है, रोता है दिन रात मगर अब दर्द कहाँ होता है। हर समय हर पल में हर क्षण में उम्र सबकी घट रही, हर समय हर पल में हर क्षण उम्र सबकी घट रही। जानते हैं सब मगर करते हैं कल का आसरा, क्यों किसी के याद में जीवन नहीं रुक पाता है। रोता है दिन रात मगर अब दर्द कहाँ होता है। मैं अक्सर बैठती हूँ पहर दोपहर, मेरे कमरे में एक मेज है पुरानी सी, वहीं मैं बैठती हूँ पहर दोपहर। मेज से लगी दीवार पर एक घड़ी है, मेज से लगी दीवार पर एक घड़ी है, उसकी टिक टिक और अपने दिल की धड़कन को मिलाने में गुजर जाते हैं न जाने कितने पहर। मैं अक्सर बैठती हूँ पहर दोपहर। मेरे कमरे में कोई खिड़की नहीं है, एक रोशनदान है जहाँ से हर सुबह मुझे छूने आती है एक किरण। मैं उसे महसूस करती हूँ, वो मुझे अपनी सी लगती है न जाने कितने पहर। मैं अक्सर बैठती हूँ पहर दोपहर। मोहब्बत के दर्दे फसाने हमने लिखे हैं बहुत, और मुफलिसी में चांद रातों को किनारा किया। दर्द दोनों के अलग थे, सोचती रही न जाने कितने पहर। मैं अक्सर बैठती हूँ पहर दोपहर। ये दौर है जब किस्मत हमसे रूठ बैठी है, यही वो दौर है जब किस्मत हमसे रूठ बैठी है, और उलझने हैं कि कभी हमसे रूठी नहीं। एक अजीब सी खामोशी रहती है, एक चुपचाप सा सन्नाटा रहता है न जाने कितने पहर। मैं अक्सर बैठती हूँ पहर दोपहर। मेरे उलझे हुए बालों पर जिसकी उंगली गई थी, मेरे माथे की सिलवटों को मिटाने जो हाथ बढ़े थे, वो मेरी माँ थी, वो मेरी माँ थी। सिलवटे मिटाने और उलझे बालों को सुलझाने में उसने जाया किए न जाने कितने पहर। मैं अक्सर बैठती हूँ पहर दोपहर। एक दर्द जो मेरे सीने में कराहता रहता है, एक हिज्र जो बहुत तड़पाता रहता है और मुझे जगाता रहता है उदास रातों में न जाने कितने पहर। मैं अक्सर बैठती हूँ पहर दोपहर। मुझे बहुत पसंद है मोगरा के फूलों की खुशबू, और इसकी सादगी भी अपनी सी लगती है। इसकी खुशबू गेसुओं में सिमट कर कुछ समझाती रही न जाने कितने पहर। मैं अक्सर बैठती हूँ पहर दोपहर। आज भी जब भीगे हुए दामन के लम्हे याद आते हैं और तकिए पर अश्रुओं के छींटे बरबराते हैं, फिर चुपचाप सुनती रहती हूँ न जाने कितने पहर। मैं अक्सर बैठती हूँ पहर दोपहर, पहर दोपहर, हाँ बैठती हूँ पहर दोपहर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी, आपने अपनी यात्रा वृतांत को भी स्टॉप टीवी को सुनाया इसके दर्शकों को।
और आपने अपनी कविताओं सिक्का भी लाभ दिया, तो आप स्टॉप की ओर से मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपसे भी, आपके पास भी अगर आप कोई साहित्यकार हो, कलाकार हो, तो आपके जीवन संघर्ष यात्रा को हम स्टॉप टीवी के माध्यम से औरों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी इस तरह की यात्रा में अपने आप को भी शामिल कर सके इन्हीं शब्दों के साथ। और हमारा, आप अगर कहीं बाहर रहते हैं, मेरे स्टूडियो तक नहीं आ सकते, तो आप वहां से वीडियो बना के भेज सकते हैं। इस नंबर पर संपर्क करें 7004839500, ये हमारा व्हाट्सएप का भी नंबर है, आप अपने वीडियो सेंड करें, हम उसको भी प्रसारित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से विनीता जी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।